हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुबीर देवनाथ है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पहुंच चुके हैं दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित आदम खान का मकबरा में। चलिए इस मकबरे के पीछे जो इतिहास है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अकबर बहुत ही कम उम्र में ही यानी 14 साल की उम्र में ही मुगल बादशाह बन चुके थे। उनका देख रेख का जिम्मा उनकी दाई माँ महम अनगा का था। महम अनगा का ही छोटा पुत्र आदम खान था। अकबर अपने दाई माँ से बहुत प्रेम करता था और दाई माँ के छोटे पुत्र होने के नाते आदम खान अकबर के दूध भाई भी थे। इसी वजह से अकबर ने आदम खान को सिपाही सलाहकार नियुक्त कर डाला। अकबर के एक और सिपाही सलाहकार थे जिनका नाम अतगा खान था। अकबर के पिता के समय से ही मुगल के लिए लड़ते हुए आ रहे हैं और अकबर उनसे बहुत ही मोहब्बत करते थे। इसी वजह से अकबर ने उनको सिपाही सलाहकार से उन्हें जनरल बना दिया था। लेकिन ये चीज आदम खान को पसंद नहीं आया। आदम खान उनसे जलने लगे। इसी वजह से जलन और दुश्मनी के चलते आदम खान ने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्से में आकर अकबर ने आदम खान को आगरा के किले की दीवार से सर के बल फेंकने का आदेश दे दिया। आदम खान के मौत के 24वें दिन गम के मारे उसकी माँ महम अनगाना की भी मौत हो गई। माँ बेटे दोनों की मेहरौली में बने इसी मकबरे में दफनाया गया। मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया। इतिहासकारों का मानना है कि यह मकबरा जानबूझकर लोदी वंश की इमारतों की अष्टकोणीय शैली में बनाया गया। शायद ऐसा आदम खान को गद्दार करार देने के लिए किया गया हो, क्योंकि मुगलों की नज़र में लोदी सुल्तान गद्दार थे। बाद में 1830 में बंगाल के सिविल सेवा के एक अंग्रेज अफसर ब्लैक ने इस मकबरे को अपना निवास स्थल बना लिया और मकबरे के बीचों बीच अपने डाइनिंग हॉल तक रास्ता साफ करने के लिए इसके अंदर से बनी कब्रों को हटा दिया। हालांकि उस अफसर की जल्दी ही मौत हो गई, लेकिन लंबे समय तक ये मकबरा अंग्रेज अफसरों के लिए अतिथि गृह बना रहा। बाद के दिनों में कुछ समय तक इसे एक पुलिस थाने और बाद में डाकघर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के आदेश के बाद इस मकबरे को खाली करके कब्रों का पूर्ण निर्माण किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।